जो चीज देखने हैं हमें वो मिल गई। हमने धोनी की बैटिंग देखनी थी, दो मैचेस में नहीं मिली, तीसरे में मिल गई। हमारे पैसे पूरे हैं, हमें कोई यार धोनी को क्या, एक मैच हार गया तो क्या हो गया, 16 मैच पड़े, जीत लेगा। धोनी तो पहले क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर चुका है, खेलने से पहले ही कर चुका है, लेकिन आज इन्हें कुछ ने कर दिया ना, कमाल दिखाई दिया। रेशम पंत और डेविड वार्नर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, यकीनन एक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा इन दोनों बैट्समैन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आज की मैच की बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल वर्सेस सीएसके। दिल्ली कैपिटल ने सीएसके को हरा दिया, अगर बैटिंग की तरफ मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, धोनी की जो इन्हें कासु ने खेल दिया ना उस पर ही हार कुर्बान है। अच्छा ठीक है, जिस तरीके से आज उसने चौके छक्के बॉलर डाल के बैटिंग, हम जो चीज देखने आए हमें वो मिल गई। हमने धोनी की बैटिंग देखनी थी, दो मैचेस में नहीं मिली, तीसरे में मिल गई। हमारे पैसे पूरे हैं, हमें कोई यार धोनी को क्या, एक मैच हार गया तो क्या हो गया, 16 मैच पड़े, जीत लेगा। धोनी तो पहले क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर चुका है, खेलने से पहले ही कर चुका है, लेकिन आज इन्हें कुछ ने कर दिया ना, कमाल। अब आप अपना क्वेश्चन करें, धोनी को अपना फैसला चेंज करके वन डाउन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, वन डाउन नहीं, उसे ओपनर आना चाहिए। जैसा उसने खेला है, यकीन करें ओपनर में वो फील्ड ऊपर लगी हो, धोनी विंटेज धोनी नजर आए देखने को, मजा आ जाए बैटिंग देख। यार देखिए, सारे कह रहे थे धोनी बूढ़ा हो गया, लेकिन जो यार आज उसने शॉट्स लगा, जो लास्ट बॉल में उसने छक्का लगाया ना, यकीन करें कमाल की इनिंग थी। और ये चीजें जो है ना, देखिए मजा आता है जैसे आज धोनी परफॉर्म। चलिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ वापस आते हैं, डेविड वार्नर 50 करके गए, ऋषभ पंत 50 करके गए, कैसी बैटिंग लगी? बिल्कुल ऐसा दिल्ली ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर दिल्ली की हम बात कर ले, जैसे डेविड वार्नर और स्पेशली ऋषभ पंत की जो फॉर्म वापस आई ना, ऋषभ पंत को हम बड़ा मिस कर रहे थे कि यार बहुत तगड़ा प्लेयर, इतना ट्रेजिक आसे के बाद वापस आप परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन आज उसने 100 सिक्सेस भी लगाए हैं, उसके बाद जो जबरदस्त परफॉर्म किया। तो यार देखें, आज वो क्रिकेट देखने को मिली टू साइड क्रिकेट, नो डाउट सीएसके हार गया, लेकिन जिस तरह सीएसके ने मुकाबला किया, हालांकि सीएसके के बड़े नाम फ्लॉप हो गए थे, ऋतुराज गायकवाड़, रचन रविंद्रा, शिवम दुबे, सारे फ्लॉप हो गए थे, लेकिन सीएसके ने तगड़ा मुकाबला किया, मजा आया यार आईपीएल देखने का। चलें बॉलिंग की तरफ आते हैं, खलील अहमद बड़ा टफ टाइम देके गए हैं, मुकेश कुमार की बात की जाए बहुत टफ टाइम, दोनों दो दो विकेट लेके। यार खलील अहमद आज से तकरीबन 2-3 साल पहले बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, एकदम उसकी फॉर्म में डिक्लाइन आया, उसको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जैसा आज उसने कमबैक किया ना, जैसे शुरू में आके उसने दोनों ओपनर्स उड़ाए हैं, मजा आ गया बॉल देखे, इन स्विंग जैसी उसने किया, यकीन करें इंडिया को नया ज़हीर खान क्या इरफान पठान मिल गया है, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहा है, और साथ में मुकेश कुमार अगर आज ना होता तो यकीन करें सीएसके जीत जाता। असल नाथ उसने आगे डाली है, जब उसने दो कंजक्टिव आउट किए हैं आगे कोई 15वें 16वें ओवर में, तो वो जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो डीसी की तरफ चला गया और इसी वजह से डीसी जीती। और डीसी का पहला मैच है, आपको क्या लगता है डीसी 2024 के आईपीएल में जगह बना पाएगी? डीसी का ये पहला नहीं, दूसरा मैच है, डीसी का हार चुकी है, जीती पहला है। यार देखें, एक तो सीएसके कन्फर्म है, उसके अलावा कोई टीम कंफर्म नहीं कह सकते, यकीन करें कंपेटिटिव क्रिकेट है ना, यही आईपीएल का मजा है कि सारी टीम्स अच्छा खेल रही हैं। पहले हम कहते थे कि यार देखिए चले मुंबई आगे चली जाएगी, आरसीबी चली जाएगी, सीएसके, अभी हम कहेंगे सिर्फ सीएसके जाएगी, बाकी तीन डिसाइड होंगे, और जैसे जैसे आईपीएल आगे जाएगा फ्रेंड में जाके हम बात करेंगे। थैंक यू। वालेकुम सर, आज की मैच की बात करेंगे, डीसी वर्सेस सीएसके। डीसी ने बड़े अच्छे तरीके से जो है सीएसके को हरा दिया। अगर हम बैटिंग की तरफ आए तो डेविड वार्नर आज 50 करके गए हैं, और अगर ऋषभ पंत की बात करें उनकी फॉर्म वापस आ गई, वो भी 50 करके हैं। सबसे पहले बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे और परफॉर्मेंस कैसी लगी? बिल्कुल, जिस मैच में डेविड वार्नर और रेशम पंत जैसे जो बल्लेबाज हैं, उनका बल्ला जब बैटिंग में रन उगलने लगता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम के लिए जीतना, तो इस तरह का हमें सिनेरियो आज भी दिखाई दिया। रेशम पंत और डेविड वार्नर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, यकीनन एक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा इन दोनों बैट्समैन की तरफ से देखने को मिला हमें। और प्रेडिक्शन के हवाले से भी अब काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका है कि सीएसके को शायद इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी नज़र आई और बहुत ही अच्छी बैट्समैनी, स्पेशली मैं कहूँगा ऋषभ पंत की तरफ से, कि एक बड़े अरसे बाद वो कमबैक किए थे। और यकीनन दिल्ली कैपिटल जैसी, सीएसके जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराने पर हम मुबारकबाद पेश करेंगे और बहुत अच्छा लगा ये। सर अगर डीसी के हम बॉलिंग की तरफ आते हैं तो खलील अहमद ने 2 विकेट ली हैं, मुकेश कुमार ने भी 2 विकेट ली हैं, और खलील अहमद तो ऐसी बॉलिंग कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल भी किसी को टिकने नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा डॉट बॉल। जी बिल्कुल, खलील अहमद भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन सीएसके की तरफ से पाथी राणा ने जिस तरह बॉलिंग कराई, तो बिल्कुल 3 विकेट उड़ाई और 150 के लगभग स्पीड पर वो बॉलिंग कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा पाथी राणा की बॉलिंग देखकर। और जब भी पाथी राणा के जो बॉल्स हैं वो पिच पर बिखरी हुई दिखाई देती थी, तो बहुत ही अच्छी एक लाइन एंड लेंथ देखने को मिली। काफ़ी हद तक उन्होंने जो दिल्ली कैपिटल है उनको रोके
रेखा रन की इस दौड़ में, वरना 200 प्लस स्कोर जा सकता था। एवरेज आप देखें कि पहले चार ओवर्स में तकरीबन 10 के लगभग स्कोर पर ओवर आपको देखने को मिला, फिर उसके बाद जो चार ओवर से ऑनवर्ड आप 16 ओवर्स की तरफ जाएं तो थोड़ा सा स्कोर उस पर कम हुआ, 8 रन पर ओवर आपको देखने को मिला, और 16 ओवर्स के बाद 12 रन पर ओवर आपको दिखाई दिया। तो यकीनन पाथी राणा का जो इनिशियल बॉलिंग अटैक था काफ़ी मददगार साबित हुआ सीएस दिल्ली कैपिटल को अपने इस स्ट्रेटजी में कामयाबी दिलाने के लिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज के मैच की बात करेंगे, डीसी वर्सेस सीएसके। डीसी ने सीएसके को हरा दिया। डेविड वार्नर की अगर हम बात करें 50 करके गए हैं, ऋषभ पंत भी 50 करके गए हैं, कैसी लगी आपको दिल्ली कैपिटल की परफॉर्मेंसेज? आज जो है दिल्ली कैपिटल ने बहुत अच्छा धोया सीएसके को, और पृथ्वी शाह और डेविड वार्नर ने जो आप परफॉर्मेंस दी है आज, मैं कहता हूँ काबिल सताइश है, और बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, और छक्के चौके जो मारे हैं यार। सीएसके की टीम को मैं बजाते खुद सपोर्ट कर रहा था, उसकी वजह थी एमएस धोनी। सर, एमएस धोनी ने भी आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के एंड में आके तकरीबन चौके छक्के तो हमें 2-4 दिखाई दिए हैं। नहीं यार, क्या मारा है, फ़ायदा क्या, लास्ट पे अगर आना था तो बंदा उसको पहले लेके आता है। एट द लास्ट मोमेंट क्या परफॉर्म किया सीएसके, तो हार गई है ना। बिल्कुल सर, पर उन्होंने कोशिश तो की, एंड वाले फॉर्म अपनी एक वापस लेके आए। जैसे एमएस धोनी का एक जो एरा है वो तो हमें 2024 के आईपीएल में कम से कम बैटिंग तो देखने को मिल गई उनकी। बैटिंग ही यार लाना था तो पहले लेके आते, ताकि जो है टीम अच्छा परफॉर्म। अब कोई बंदा ही नहीं था पीछे, अब लास्ट पे आ गए उन्होंने, उसने क्या खेला है आपके सामने, एक दो छक्के मारना चौके मारना, दिस इज इनफ, नॉट इनफ। उन्होंने बहुत बड़ा डिसअपॉइंट हुआ आज जो है सीएसके की परफॉर्मेंस के वाले से। अगर बात करूं सर टारगेट की, अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने कोई टारगेट भी इतना ज्यादा नहीं दिया था, 190 का टारगेट था, तो आपको क्या लगता है सीएसके इतनी तगड़ी टीम है तो वो कम्पीट क्यों नहीं कर पाई? उसकी वजह ये है, उसकी जो मेन कॉज ये है कि दो जो कैप्टन थे उस पर एक कैप्टन भारी था। बिल्कुल, दो कैप्टन पर एक कैप्टन भारी। वो दिल्ली कैपिटल्स ने जो आज मैनेजमेंट परफॉर्म किया, मैनेज किया फील्डिंग बॉलिंग और जो बैटिंग थी, बॉलिंग की तरफ आते हैं, खलील अहमद जो है 2 विकेट लेके गए हैं। खलील अहमद पे स्पेशली क्या कहेंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा डॉट बॉलिंग की है। डॉट बॉलिंग की है लेकिन ओवरऑल जो है वो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स जो आज कमाल कर दिया है, जो परफॉर्मेंस थी आज उनकी ओवरऑल आउटस्टैंडिंग थी, काबिल सताइश थी, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। अभी तक दिल्ली कैपिटल एक भी मैच नहीं जीती थी, ये पहला मैच जीती है, तो आपको क्या लगता है कि अब ये अपने आपको 2024 के आईपीएल के अंदर आगे लेके जाएगी? आगे लेके जाएगी, डेफिनेटली लेके जाएगी। मुझे यकीन है कि वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका ही होगा दिल्ली कैपिटल। थैंक